हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को। जैसा आप देख पा रहे हैं, ये छोटा सा रेलवे स्टेशन मेसी रेलवे स्टेशन जो पूर्वी चंपारण के जिला मोतिहारी के अंतर्गत ये रेलवे स्टेशन आता है। जिस रेलवे स्टेशन पर बीते कुछ दिन पहले अलग अलग फेसबुक अकाउंट से एक वीडियो वायरल किया जा रहा था, जो कि एक सिंगर के ऊपर था, जो सिंगर काफ़ी खूबसूरत आवाज़ में हर एक गाना को गाते थे, तो उसका क्या खासियत था, वो कौन थे, इसके बारे में आप लोग को हम बतलाते हैं। और इस ब्लॉग अरे थारे बिन लगना है महाराज, अरे हो थारे बिन लगना है महाराज, अरे प्रीत की लत मोहे ऐसी क्या बात लागी है। हो। अब बताते चलें कि वो सिंगर जो थे वो कोई भिखारी सिंगर नहीं थे, बल्कि वो वायरल होने के लिए, फेमस होने के लिए वो अपना रूप उस आकार में ढाल लिया था जो कि लोग समझे वो भिखारी है। और एक अच्छा सिंगर तो था ही, लेकिन वो फेमस होने के लिए, वो अपना वीडियो वायरल करने के लिए वो अपना रूप उस अनुकूल बना लिया कि लोग ये समझे कि वो वाकई में भिखारी है और वो अपना वीडियो वायरल करे, लोग उनको जाने पहचाने और फेमस हो जाए। इसी चीज़ को टारगेट अचीव करने के लिए वो अपना रूप उस आकार में ढाल लिया था, और वही रेलवे स्टेशन पर वो गाना गाते थे और भिखारी के रूप लिए हुए थे। उसके बाद धीरे धीरे उसके बारे में जब जाना गया, तब पता चला कि वो एक अच्छे सिंगर थे, लेकिन अच्छे सिंगर होने के बाद भी वो फेमस नहीं हुआ था। कई अच्छे अच्छे प्रोग्राम में वो शामिल होते थे, और यही इसका था। जब धीरे धीरे करके हकीकत लोग जाने, तो वहाँ से वो फरार हो गया। फेमस होने के लिए लोग क्या क्या रूप धरते हैं, जो उन्होंने वही रूप पकड़े जिससे कि वो फेमस हो जाए और उनका वीडियो वायरल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धीरे धीरे करके उसका भंडा फूट गया और वो वहाँ से निकल पाया। यही था इसका हकीकत। और हमें लगा कि अगर वो सिंगर वाकई वहाँ पर होते तो हम वहाँ पर रुक करके वीडियो बनाते, लेकिन वो पता चला कि यहाँ से निकल चुका, इसीलिए हम ट्रेन पर से नहीं उतरे और जानकारी लिए, और अगर रहते तो उनका हम वीडियो बनाते। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस, लाइक कमेंट जरूर करें। आई डाइट आई